Dear students, in this lecture, we shall learn about a calculus-based rule which is known as chain rule. Let us see how this rule can help us to solve equations with the help of calculus. As you can see that we are trying to understand a rule which is based upon functions. Basically, agar hum ise saada alfaz mein samajhna chahein, to ye aise hai ki ek function ke andar ek aur function embedded hai, nested hai. Let us see how we can explain the statement of this rule. As you can see, we are saying that there is a function which is based upon u. U is that variable that defines this function. Aur isko agar hum explain karke likhein, तो ये होगा u is a function of x. अब यहां पर हमने function के लिए g की notation इस्तेमाल किया. Is a differentiable function of x. इसका मतलब ये है कि x determine कर रहा है u को. अब further हम ये देख रहे हैं कि जो ये g of x था, ये हमने एक और function के अंदर insert कर दिया. और y जो है यहां पर independent variable है. So, now we can see that there is, more complexity in it, which is not scaring. ये कोई परेशान कुन बात नहीं है. बस ये हुआ है, whereas जब हम दो variables से deal करते थे, अब हम तीन variables से deal कर रहे हैं. Let me make a very simple framework for that. ये ऐसे है कि हमारे पास y is a function of g of x. अब जो g of x है वो basically u को शो करता है. It means कि x affect करेगा u को और u in turn affect करेगा y को. So what we see is that there are three variables involved in it. अब बात ये है कि how we can deal with such a function when it comes to its differentiation. तो ये rule हमारे सामने इन्होंने mention कर दिया. यही कहना चाह रहा है कि dx जो बेसिकली चेंज है x के अंदर कैसे इफेक्ट कर सकती है y को. अब ये एक डायरेक्ट रिलेशनशिप नजर आ रहा है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है. why? बिकॉज इफ वी रिजॉर्ट टू दिस फ्लो चार्ट, वी कैन सी दैट x इज नॉट डायरेक्टली इफेक्टिंग y. x इज इफेक्टिंग y इनडायरेक्टली वाया u. सो इट इज एन इनडायरेक्ट रिलेशनशिप. और इसके लिए जो हमने फॉर्मुलेशन की ऑन द राइट हैंड साइड, इट सेज डी वाई ओवर डी यू इंटू डी यू ओवर डी एक्स. अब ये जो आप देख रहे हैं, अगर मैं डी यू और डी यू को काट दूं तो ये बेसिकली इसी के बराबर आ जाएगा जो कि हमारे पास राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड है. सो इन अदर वर्ड्स, हमने यू को एक हेल्प के लिए यूज किया, वेर एज इट गेट्स कैंसल्ड आउट. सो when it comes to its solution, हमें दो derivatives find out करने पड़ेंगे, एक ये और दूसरा ये. And how it is possible? Because यहां पर एक function नहीं है, दो functions है. Y in terms of u and u in terms of x. हम दोनों functions का अलग-अलग derivative calculate करके आपस में multiply करेंगे. You need not to worry because we are just going to see an example. And before that example, हम इसका एक और notation देख लेते हैं. ये notation in more of a functional form है. You can see that f is further a function of g and then g is composed of x. So इसमें हमने ये किया कि पहले डेरिवेटिव कैलकुलेट किया ओवरऑल फंक्शन का, और उसके बाद जो इनसाइड फंक्शन था उसका डेरिवेटिव हमने कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई किया. इसको हम मोर इलेबोरेटेड फॉर्म में इस स्लाइड में देखते हैं जो इसके बाद नजर आएगी. यस, सो यू कैन सी कि यहां पर डेरिवेटिव ऑफ द आउटसाइड फंक्शन जो मेन फंक्शन था, और उसके अंदर एक फंक्शन है g ऑफ x, इसका डेरिवेटिव इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जिसे हम कह रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ द इनसाइड फंक्शन, और इटसेल्फ जो इनसाइड फंक्शन है वो g ऑफ x है. सो ये है इसकी कंपोजिशन, हाउ दिस रूल इज कंपोज्ड. नाउ स्ट्रेट अवे वी आर कमिंग टू एन एग्जांपल व्हिच इज न्यूमेरिकल. यहां पर आप देख सकते हैं कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, बट इनडायरेक्टली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बाय अज्यूमिंग के जो इसके इनसाइड फंक्शन है वो एक और फंक्शन बन सकता है. आप देख सकते हैं 2 प्लस 5x 3 को हमने इक्वेट कर दिया यू के,
और उसके बाद हमने जब इसको रिफॉर्म किया तो ये y इज इक्वल टू u की पावर 5 बिकॉज ऑल ऑफ इट वॉज रिड्यूस टू यू. तो ये हमारे पास एक सिंपलर फंक्शन बन गया. इसका आप फायदा ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन था उसे हमने u बना दिया और अब इसको सॉल्व करना बाय टेकिंग द डेरिवेटिव बहुत ही आसान है. डी वाई ओवर डी यू आपके सामने उसका सोल्यूशन है विच इज ईजी. और एंड ऑन द अदर साइड जो बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम x का असर y पे देखें, हाउ x कैन अफेक्ट y. बट इसके अंदर जो एक मीडिएशन है वो इस u की है जो कि एक इनडायरेक्ट रिलेशनशिप बनाने में मदद दे रहा. सो डी ओवर डी एक्स जो है वो हमारे पास है 15x स्क्वायर. ये कैसे हमने कैलकुलेट किया? इसका डेरिवेटिव हमने कैलकुलेट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स. ये जीरो हो गया और इसका आंसर आपके सामने मेंशन्ड. अब जो हमारे पास चेन रूल बनता है, लेट अस राइट दैट डी वाई ओवर डी एक्स. दिस इज व्हाट वी वांट टू फाइंड, दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू फाइंड. हम करेंगे डी वाई ओवर डी यू इंटू डी यू ओवर डी एक्स, क्योंकि आप जानते हैं ये डी यू कट जाएगा और एक्चुअली हम x का y से ही रिलेशनशिप डिस्कवर कर रहे हैं बट इनडायरेक्टली विद द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू डेरिवेटिव्स. कैसे? बिकॉज डी वाई ओवर डी यू की वैल्यू हमने यहां पर नोट की और वो है 5u रेज टू द पावर 4 और डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू यहां से हमने बोरो की तो क्या 15 इंटू एक्स स्क्वेयर. ये 5 और 15 हमारे पास 75 बन गया और एक्स स्क्वेयर जो है वो वैसे ही हमने लिखा हुआ है और जो u की पावर 4 है वो हमने यहां पर लिखी है. बट वी शुड नॉट बी सरप्राइज्ड कि u की वैल्यू हमने रीसब्स्टिट्यूट कर दी है यहां से बोरो करके, बिकॉज हम जो आंसर चाहते हैं वो है y इज अ फंक्शन ऑफ x. इवेंचुअली आखिरकार हमारे पास जो जवाब आ रहा है वो x की टर्म्स में आ रहा है. सो इस तरह आपने देखा कि एक इनडायरेक्ट वे से हम ऐसे केसेस को सॉल्व कर सकते हैं जहां पर तीन वेरिएबल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हों या हमें उन्हें एग्जिस्ट करने की जरूरत पड़े, हम उन्हें मोल्ड करके तीन वेरिएबल्स बनाएं अपनी आसानी के लिए.